मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित मुक्तिधाम, सर्वदीप अयोध्या राम मंदिर, तुलसीधाम, सीढ़ी घाट पर 3 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ का शुभारंभ हुआ, जहां भक्तों द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में 301 कन्याओं द्वारा कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा सीढ़ी घाट, रानी सती मंदिर चौक, माता अन्नपूर्णा मंदिर चौक, सरैयागंज टावर, कंपनी बाग, करबला होते हुए सिकंदरपुर तुलसीधाम अपने गंतव्य तक पहुंची, जिसके बाद प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ प्रारंभ किया गया। संध्या में हनुमान आराधना और रात्रि में महाआरती का आयोजन किया गया। ये यज्ञ 16 से लेकर 18 को महाभंडारण के साथ संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में प्रधान पुजारी आचार्य विष्णु कुमार शर्मा, मंदिर संस्थापकों में डॉक्टर रमेश कुमार केजरीवाल, अजीत अग्रवाल समेत सैकड़ों राम भक्त शामिल हुए। ये जो हम लोगों की जो बनी हुई है, ये जो मंदिर बनाई गई है, इस मंदिर में राम अयोध्या मंदिर है। इसमें राम अयोध्या मंदिर में हम लोगों के रामलला यहाँ उपस्थित होंगे और उनकी मूर्ति है, बाल्या रूप है, और साथ में राम दरबार है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये राम कृष्ण की मूर्ति, राधा कृष्ण की मूर्ति है, और विष्णु जी की मूर्ति, विष्णु लक्ष्मी जी की मूर्ति है। उसके बाद आपको शंकर भगवान का पूरा परिवार है, हनुमान जी हैं, शीतला जी हैं, और सप्त देवी हैं, भैरव जी हैं। इन सब की आज प्राण प्रतिष्ठा इस मंदिर में हो रही है। इसी का आज कार्यक्रम हुआ था। इसके अंदर में पहले कलश यात्रा निकली थी जो सुबह मॉर्निंग में, आज कलश यात्रा फाइनल हो गया। अब उसके बाद जो है, अभी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम स्टार्ट होगा। सांझ के वक्त में हनुमान आराधना है, और हनुमान आराधना के बाद में आज का विश्राम है। फिर 16 तारीख को और फिर 17 तारीख को हवन होगा, और उसी के बाद में ये हम लोगों का कार्यक्रम समाप्त होगा। अब डॉक्टर बनने का सपना करें साकार नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल से। नेशनल मेडिकल कॉलेज बीरगंज नेपाल एक्रेडिटेड बाय IAO एंड अफिलियटेड विद वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड त्रिभुवन यूनिवर्सिटी लिस्टेड इन WHO। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।